नमस्कार आज हम जयशंकर प्रसाद रचित हिमालय के आंगन में कविता के संदर्भ में अध्ययन करेंगे यही आज हमारी चर्चा का विषय है यह स्नातक पाठ प्रथम अनिवार्य हिंदी का पाठ है और इस संदर्भ में हम इस अध्यायों का अध्ययन हम दो भागों में करेंगे पहला जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व कृतित्व उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे और छायावाद के साथ प्रसाद की क्या भूमिका है उनकी काव्य प्रवृत्तियाँ क्या है उनकी रचनाएँ कौन कौन सी है और उन रचनाओं की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है इस बात का अध्ययन प्रथम भाग में करेंगे और द्वितीय भाग में इस कविता का के भावार्थ का अध्ययन करेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो चलिए हम इस ई लर्निंग प्रक्रिया के अंदर जयशंकर प्रसाद पर विचार करते हैं इस प्रथम भाग में हमारी जो चर्चा के बिंदु है वो जयशंकर प्रसाद व्यक्तित्व कृतित्व एवं जीवन परिचय दूसरा है जयशंकर प्रसाद की काव्य प्रवृत्तियाँ रचनाओं का विधागत वर्गीकरण जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना काव्य चेतना वैचारिक दृष्टि और छायावाद और विषय संदर्भ में हम राष्ट्रीय चेतना रखेंगे क्योंकि प्रसाद का संपूर्ण साहित्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधि साहित्य है इस प्रकार का साहित्य लिखकर उन्होंने भारतीय गौरव को एक प्रकार से विश्व विख्यात बना दिया और भारतीयों में आत्मगौरव का भाग जगाया और इस चर्चा का जो अंतिम बिंदु है वह हिमालय के आंगन में जो कविता है जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उसका मूल प्रतिपाद्य पढ़ेंगे अर्थात उसका उस कविता का मूल मंतव्य मूल कथ्य क्या है केंद्रीय भाव क्या है इस बारे में हम विचार करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद व्यक्तित्व कृतित्व एवं जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे माँ भारती के वरदपुत्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रेम और सौंदर्य के कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म बनारस के प्रसिद्ध सोंगनी साहू परिवार में हुआ था बारह वर्ष की अल्पायु में पिता देवी प्रसाद और पंद्रह वर्ष की आयु में माता के निधन से बालक प्रसाद की नियमित पढ़ाई छूट गई दस से बारह वर्ष की अवस्था में इन्होंने काशी के क्विंस कॉलेज में अध्ययन किया लेकिन बाद में सारी पढ़ाई उन्होंने घर पर ही पूरी की काशी के प्रसिद्ध विद्वान दीनबंधु ब्रह्मचारी से इन्होंने संस्कृत के प्राचीन साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने घर पर ही हिंदी उर्दू और अंग्रेजी भाषा का परिचय प्राप्त किया जयशंकर प्रसाद के ने साहित्य जगत को कविता नाटक उपन्यास एकांकी कहानी निबंध जैसी विधाओं से न केवल समृद्ध किया अपितु उन क्षेत्रों में एक युगांतर भी उपस्थित किया हिंदू और जागरण जैसी प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं से भी प्रसाद का जुड़ाव रहा प्रसाद प्रारंभ में प्रसाद ने ब्रिज भाषा में काव्य रचना की किंतु शीघ्र ही वो खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे यानी कि खड़ी बोली को उन्होंने अपनी काव्य रचना का विषय बनाया खड़ी बोली की अभिव्यक्ति क्षमता को उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उतुंग सीकर पर यानी कि उसकी जो अभिव्यक्ति क्षमता है अभिव्यक्ति कौशल है खड़ी बोली का उसका विकास किया भाषा और शिल्प की दृष्टि से प्रसाद की कविता का उत्कर्ष देखते ही बनता है संस्कृतनिष्ठ व परिष्कृत हिंदी का प्रयोग हिंदी के प्रयोग के साथ ही इन्होंने अपने काव्य में प्रतीक विधान और लाक्षणिक शैली का प्रयोग कर अपने सूक्ष्म भावों को मूर्त रूप प्रदान किया और खड़ी बोली की जो अभिव्यंजना शक्ति है उसका विकास किया या कि उसकी क्षमता का परिचय दिया अनुभूति के साथ ही प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य के चित्रण में इन्होंने बिंबों का सहारा लेकर उसे अत्यधिक प्रभावोत्पादक बनाया अब हम प्रसाद की रचनाओं का विधागत वर्गीकरण करके उनके यहाँ पर उनका अध्ययन करेंगे कि उन्होंने किस विधा में किस किस कृति का निर्माण किया था तो यहाँ पर हम सबसे पहले काव्य ग्रंथों को लेंगे तो इसमें कानन कुसुम महाराणा का महत्व चित्राधार यहाँ पर कानन कुसुम के संदर्भ में हम बता दें कि यह खड़ी बोली का प्रसाद का प्रथम महा, प्रथम काव्य है और चित्राधार प्रसाद का पहला काव्य है करुणालय प्रेमपतिक झरना आंसू लहर तथा कामायनी कामायनी उनकी अंतिम प्रति है और महाकाव्य है सबसे प्रसिद्ध काव्य है एक कालजयी रचना है प्रसाद ने नाटकों की रचना की है और उनकी जो काव्य कला उनकी जो साहित्य कला है वह नाटकों में देखने को मिलती है उनकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना उनके नाटकों में सबसे अधिक देखने को मिलती है तो उनका नाटक है विशाख अजातशत्रु जन्मये का नागयज्ञ कामना स्कंदगुप्त एक घूट चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी सज्जन कल्याणी परिणय और राजेश्वरी उनके तीन उपन्यास हैं कंकाल तितली और इरावती इरावती उनका अपूर्ण उपन्यास है लेकिन प्रसाद को उपन्यास के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि उन्होंने नहीं दिखाई और आगे है उनके कहानी संग्रह प्रसाद के पांच कहानी संग्रह प्रकाशित है जिसमें छाया आंधी प्रतिध्वनि आकाशदीप और इंद्रजाल ये पाँच पाँच कहानी संग्रह हैं जिनमें उनकी कहानियाँ संग्रहित हैं और उनका जो अंतिम संग्रह है जो गद्य रचनाओं से संबंधित है जिसमें उनके निबंध संकलित हैं काव्य और कला तथा अन्य निबंध इस प्रकार ये जो रचनाएं हैं ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं इनके नाम आप याद रखेंगे अगला बिंदु है जयशंकर प्रसाद की काव्य चेतना वैचारिक दृष्टि और छायावाद और विशेष संदर्भ राष्ट्रीय चेतना क्योंकि हमारे पाठ्य पाठ्यक्रम में जो कविता है हिमालय के आंगन में वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक गौरव की अभिव्यंजना करने वाली एक महत्वपूर्ण कविता है इसलिए प्रसाद का अध्ययन करते समय हम उनकी जो केंद्रीय चेतना है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना उस पर ध्यान रखेंगे और दूसरी बात यह है कि प्रसाद छायावाद के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कवि है इसलिए उनकी काव्य चेतना पर विचार करते हुए छायावाद पर भी विचार करेंगे कि प्रसाद का छायावाद में क्या स्थान है तो देखिए हिंदी साहित्य में 1918 से 1936 तक का कालखंड छायावाद के नाम से जाना जाता है प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक व उन्नाइकों में से एक है सुमित्रा नंदन पंत जी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रतक प्रवर्तक मानते हुए कहा है कि प्रसाद को हम छायावाद में हिंदी में छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं वैसे कहा जाता है प्रसाद मूलतः कल्पना प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं पर उनका उनके साहित्य का समग्रतः अध्ययन करने पर यह कहने को विवश होना पड़ता है कि प्रसाद मूलतः राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक कवि थे उनकी अधिसंख्य कविताओं कहानियों और नाटकों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना चेतना का आस्वादन करके कौन ऐसा देशभक्त होगा जो मुग्ध और उत्साहित नहीं होगा हालांकि झरना आंसू, लहर के गीतों में आंतरिक अनुभूति और प्रेम की प्रधानता मिलती है प्रेम की अनुभूति प्रेम जयशंकर प्रसाद के साहित्य में कहीं भी ओझल नहीं हो पाई है लेकिन फिर भी उनकी जो चेतना है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो आंदोलन है पुनर्जागरण है उससे जुड़ी हुई है उनका काव्य विषयगत नवीनता भाव जगत का सूक्ष्म और अमूर्त चित्रण नवीन कल्पनाएं मानवीय और प्राकृतिक सौंदर्य का अंकन प्रकृति का मानवीकरण आत्मा आत्माभिव्यंजना नारी सौंदर्य प्रणय विवलता मानवतावाद वेदना अनुभूति कल्पना प्रियता युगिन प्रभाव राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना विश्वय भाव और रहस्यात्मकता लाक्षणिक वक्रता प्रतीकात्मकता विरोध चमत्कार गीतिमयिता चित्रोपम भाषा आदि विशेषताओं से औतप्रोत है अतः निश्चय ही वे छायावाद के प्रवर्तक और आधार स्तंभ महाकवि हैं ये जो विशेषताएं प्रसाद के साहित्य की हमने यहाँ पर प्रस्तुत की है वो संपूर्ण छायावाद का प्रतिनिधित्व करती है कि ये या कि ये विशेषताएं ही छायावाद का निर्माण करती है इसलिए हम छायावाद को यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक और उन्नायक तथा आधार स्तंभ महाकवि कह सकते हैं उनकी रचनाएं छायावादी विशेषताओं से परिपूर्ण है पंत और निराला की भांति उन्होंने छायावाद का अतिक्रमण नहीं किया कहने का तात्पर्य यह कि पंत छायावाद को छोड़कर अरविंद दर्शन की ओर जाते हैं और निराला छायावाद को छोड़कर प्रगतिवाद की ओर जाते हैं लेकिन प्रसाद आद्यंत आदि से लेकर अंत तक छायावाद के कवि रहे छायावादी शैली में ही उन्होंने काव्य रचना की है उनकी अंतिम कृति कामायनी छायावाद का चरम उत्कर्ष है कामायनी प्रसाद की दार्शनिक चेतना का सर्वोत्तम उदाहरण है जीवन में सामंजस्य का दर्शन ही आनंद पहुंचा सकता है काम, कामायनी का यही प्रतिपाद्य है इसमें प्राचीन आख्यान का सहारा लेकर सभ्यता के विकास का वर्णन मनोविज्ञान की भूमिका में किया है दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्षों और इतिहास के गौरवपूर्ण पन्नों को अपनी कल्पना के रंग में रंगकर राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान की है प्रसाद के साहित्य का आधार इतिहास है तो लक्ष्य और दृष्टि वर्तमान है अर्थात वो अपने युग धर्म से कहीं भी दूर नहीं होते हैं साथ ही यह निशंदे कहा जा सकता है कि प्रसाद के साहित्य में बहुत कुछ बहुत कुछ कालजयी मर्म है, जो समय के थफेड़ों के साथ कभी छिन्न भिन्न नहीं होंगे और समाज को एक दिशा निर्देश देते रहेंगे समाज को प्रेरित करते रहेंगे जो हर समय अपनी सार्थकता और प्रासंगिकता सिद्ध करता रहेगा प्रसाद के साहित्य में स्वदेशी जागरण तथा देश की पराधीनता को लेकर गहरी चिंता थी वे भाग्य पर नहीं पुरुषार्थ पर विश्वास करने वाले विचारक थे स्कंदगुप्त की देवसेना अपने गीत में मानो देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए ललकार रही है देश की दुर्दशा निहारोगे डूबते को कभी उबारोगे हारते ही रहे न है कुछ अब दाऊ पर आपको न हारोगे कुछ करोगे कि बस सदा रोकर दीन हो देव को पुकारोगे सो रहे तुम न भाग्य सोता है आप बिगड़ी आप संवारोगे यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि छायावादी कविता को कल्पना के कानन की रानी कहा जाता है और प्रसाद के काव्य में कल्पना का वैभव देखते ही बनता है लेकिन उस कल्पना में भारत का उज्जवल भविष्य है भारत का उज्जवल स्वरूप है इस बात से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता इस अर्थ में उनकी कविता यथार्थ की कविता है स्वाधीनता आंदोलन के वीर सैनिक की कविता है स्कंदगुप्त नाटक का यह गीत देखा जा सकता है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला पुकारती वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञे सोच लो प्रशस्त पुण्य पंत है बड़े चलो बड़े चलो प्रसाद ने अपने साहित्य में भारत के महान राष्ट्र नायकों ऋषियों तपस्वियों वीरबालाओं और माताओं दार्शनिकों बलिदानियों की गौरव गाथा अपने नाटकों के माध्यम से चित्रित की है उनका मानना है कि जिस देश में चंद्रगुप्त मौर्य समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त विक्रमादित्य जैसे अनेक वीर हुए हों जिन्होंने अद्भुत वीरता संगठन शक्ति त्याग बलिदान और दया धर्म का अनूठा इतिहास रचा हो चाणक्य जैसे स्वाभिमानी तत्व चिंतक कूटनीतिज्ञ पूरी आर्य जाति के गौरव के रक्षक मानवीय व्यवस्था के कल्पक और शाश्वत बुद्धि वैभव से परिपूर्ण ब्राह्मण हो दांडयन जैसे स्वाभिमानी विरागी और संसार के समस्त वैभव को ठुकराने वाले तपस्वी हों अलका विजया मंदाकिनी वासुवी जैसी आर्य ललनाएँ हों व देश सबके लिए तो स्प्रेणीय स्पृहणीय होगा ही सही यहाँ कि जनता के लिए गर्वोन्नत होकर जीने का सबल अवलंब भी होगा ऐसे देशवासियों को कभी भी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है जिनकी परंपरा इतनी समृद्ध हो जिनके जो ऐसे महापुरुषों के प्रतिनिधि हो या कि परंपरा के व्यक्ति हो, जो विश्व में अपने आप में अनोखे हैं ऐसे व्यक्तियों को कभी झुकने की आवश्यकता नहीं है ऐसे देश में चंद्रगुप्त और चाणक्य की तरह आर्य साम्राज्य की रक्षा और उसकी उन्नति का भाव सभी देशवासियों के मन में होना स्वाभाविक है विश्व सभ्यता के उत्स और ज्ञान सूर्य की प्रथम किरणों के उपहार से विभूषित इस देश के प्रति कार्नेलिया जैसी विदेशी महिला पवित्र भाव के मन में पवित्र भाव जगता है तो उसे किसी तरह से अनुचित या अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता वह भारत की मानवता महानता का गुणगान करती हुई यह प्रसिद्ध गीत गाती है अरुण यह मधुमय देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा गीत गाने वाली विदेशी महिला जब अपने पिता शैल्युकश के भारत पर आक्रमण की योजना के बारे में जानती है तो वह बहुत चिंतित और व्यथित होती है हिमालय के आंगन में कविता का मूल प्रतिपाद्य यहाँ पूर्व में हमने मैथिली शरण गुप्त की कविता के संदर्भ में भी कहा था कि कविता के मूल प्रतिपाद्य से क्या तात्पर्य है कोई भी कवि जब कविता लिखता है तो उसके मन में एक संवेदना होती है एक ठीस होती है एक विचार होता है उस विचार को ही प्रकारांतर से विभिन्न प्रकार से वह अपनी कविता में रचता है लिपिबद्ध करता है और वो जो केंद्रीय भाव है केंद्रीय संवेदना है वही मूल प्रतिपाद्य हैं तो इस दृष्टि से हम जयशंकर प्रसाद की हिमालय के आंगन में कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे प्रस्तुत कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा 1928 में रचित स्कंद गुप्त नाटक से ली गई है प्रसाद ने जो नाटक लिखे हैं हालांकि नाटक एक गद्य विदा है और कविता पद्य विदा है लेकिन प्रसाद की नाटकों में जगह जगह पर गीतों की रचना हुई है और प्रसाद के अंदर हमेशा एक कवि कभी भी ओझल नहीं हुआ चाहे वह कविता हो चाहे वह कहानी हो चाहे नाटक हो उनमें उनका गद्य भी काव्यमयी काव्यमय दिखाई देता है उनके गद्दे में जगह जगह पर बड़ी बड़ी गीत हैं कविताएं हैं तो उसी प्रकार से ये जो कविता है वह प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक है जिसकी रचना 1928 में हुई थी उसी का एक गीत है यह नाटक जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना का ज्वलंत जीवंत दस्तावेज है कहने का तात्पर्य इस नाटक में प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय स्वाधीन चेतना एक महत्वपूर्ण तरीके से व्यक्त हुई है इसलिए इसे राष्ट्रीय चेत प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना का जीवंत दस्तावेज़ कह सकते हैं यह नाटक भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का वह हिस्सा है जो साहित्य के क्षेत्र में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारी रूप का प्रतिनिधित्व कर रहा था इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय की थीम उठाई गई है प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर के गहरी व्यथा थी गहरी चिंता थी गुलामी और व्यथा से मुक्ति के लिए ही इस तरह के इस तरह की गौरवपूर्ण रचना संभव हुई है जिस पर कोई भी भारतीय गर्व कर सकता है साथ ही यह कविता भारतीय गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा, उसके प्रभाव परतंत्रकालीन भारतीय जनमानस में आस्था और आस्था आत्मविश्वास और आत्मगौरव का संचार करने के लिए, लिए लिखी गई है स्कंदगुप्त में गोविंद गुप्त जातीयता की भावना का को उद्बोधित करते हुए कहते हैं आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं सम्राट होने के लिए नहीं युद्ध में सेनानी बनने के लिए इस नाटक में, इस, कन, इस नाटक नाटक में में एक और स्कंदगुप्त के समक्ष राष्ट्रोद्धार की समस्या है तो दूसरी ओर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रबल भूमिका है जब स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठाया गया तब स्कंदुप्त अब अप, वह अपने राष्ट्रीय भाव भार और राष्ट्र की मुक्ति की प्रार्थना करता है आर्य और आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व समर्पण कर सकूं या कर सकें आप लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपने कर्तव्य से स्वदेश सेवा से कभी भी विचलित ना हो इस कविता में प्रसाद अपने गौरवपूर्ण अतीत को खंगाल कर जातीय स्मृति जगाकर प्रसुप्त स्वाधीन भारतीय जनता पराधीन भारतीय जनता को मुक्ति संघर्ष के लिए आंदोलित करते हैं प्रसाद की इस कविता में आत्मगौरव का अभिभूत कर देने वाला रूप दिखाई देता है प्रसाद ने राष्ट्रीय संदर्भ में आत्मगौरव के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रायश्चित नाटक में लिखा है कि जिस दिन कोई जाति अपने आत्मगौरव के शत्रु से बदला लेना भूल जाती है उसे वह उसी दिन उसका मरण होता है जिस दिन कोई जाति अपने आत्मगौरव के शत्रु से बदला लेना भूल जाती है उसी दिन उस जाति का मरण होता है अर्थात आत्म गौरव की रक्षा हमेशा होना चाहिए हर देशवासी में अपने आत्म गौरव की रक्षा का भाव होना चाहिए देश के प्रति गर्व का भाव होना चाहिए यही कारण है कि प्रसाद ने अपने साहित्य में आर्य सभ्यता के उन आलोक बिंदुओं को भास्वरता के साथ चित्रित किया है जो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में ख्यात और प्रख्यात है उन्होंने व्यक्ति सत्ता को राष्ट्रीय अस्मिता से अभिन्न करके राष्ट्रीय प्राणधारा को और स्वाधीनता आंदोलन को ऊर्जस्वित किया उनके साहित्य का आधार इतिहास तो है लेकिन दृष्टि और लक्ष्य वर्तमान है उन्होंने अपने वर्तमान को या कि अपने देश की परिस्थितियों को अपने रचनात्मक कर्म से कभी भी ओझल नहीं होने दिया कि प्रेम और कल्पना का कवि है तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वह केवल प्रेम और कल्पना की कविता लिखता है उनकी कल्पना में राष्ट्र है समाज है युगिन परिस्थितियाँ हैं युगिन धर्म हैं इसलिए उनका आधार उनके साहित्य का जो स्रोत है उनके साहित्य की वस्तु का जो स्रोत है वह इतिहास और पुराण होते हुए भी, भी उनकी जो दृष्टि है वह हमेशा वर्तमान है और जो उनका लक्ष्य है वह भी वर्तमान आधारित है। प्रसाद ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सीधे वर्तमान पर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लिखते तो वे अंग्रेजों के कोप के भाजन होते उन पर देशद्रोह का आरोप लगता और रचनाएं प्रतिबंध प्रतिबंधित होती जैसा कि हिंदी साहित्य में हिंदी जगत में प्रेमचंद आदि के साहित्यकारों के साथ हुआ प्रसाद के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं कि प्रसाद का साहित्य भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतिनिधि साहित्य है इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अंग्रेजी सत्ता ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर भी आक्रमण किया था केवल भारत केवल अंग्रेज केवल भारत का राजनीतिक दृष्टि से काबिज नहीं थे उन्होंने हमारी सामाजिक व्यवस्था को हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था को हमारी धार्मिक व्यवस्था को हमारे सामाजिक ताने बाने को सबको तहस नहस करने की कोशिश की है ताकि उनकी सत्ता बिल्कुल बरकरार रहे और हम दलित शोषित और हमेशा पिछड़े रहे, अपने अधिकार के प्रति जागृत ना हो ऐसी मंशा उनकी रही है अंग्रेजी सत्ता ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर भी आक्रमण किया था उन्होंने भारतीयों के मन में मन में अपनी संस्कृति के प्रति है और हीन भावना भरने की कोशिश की और इसका प्रभाव यह था कि भारत का पढ़ा लिखा और कथित बुद्धिजीवी वर्ग अपनी संस्कृति में पिछड़ेपन दकयानुषी का भाव देखने लगा था अंग्रेजी वह अंग्रेजी रंग ढंग में ढलने लगा था प्रसाद को इसकी गहरी चिंता थी प्रसाद जैसे सांस्कृतिक चेता साहित्यकारों ने अंग्रेजों के इस प्रचन्न सांस्कृतिक आक्रमण का मोर्चा इतिहास की गौरवशाली परंपरा को अस्त बनाकर संभाला और इस संदर्भ में साहित्य के माध्यम से अपनी संस्कृति का उत्थान किया वे भारतीय जन को आर्यपुत्र कहकर के पुकारते हैं किसी जाति से किसी धर्म से नहीं वो आर्यपुत्र कहकर अपने साहित्य में स्थान स्थान पर पुकारते हैं उन्होंने जगे हम लगे जगाने विश्व धर्म की रही धरा पर धूम जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष जैसे स्वर्णिम पदबंध लिखकर जाज्वल्यमान भारतीय संस्कृति को लिपिबद्ध किया है तथा भारतीय जनमानस को क्रूर और आतताई अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध उठ खड़ा होने की ताकत ताकत प्रदान की इस कविता में जातीय अभिमान आत्मसम्मान राष्ट्राभिमान राष्ट्र गौरव अभिभूत कर देने वाली विशेषताओं यथा भारतीय इतिहास की गौरवशाली परंपरा के माध्यम से भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों तथा पूर्वजों की शक्ति त्याग बलिदान मानव कल्याण सांस्कृतिक चेतना जिजविशा और संघर्ष अद्भुत साहस और पराक्रम दया करुणा उपकार हमारी धर्म दृष्टि शौर्य ज्ञान और बुद्धिबल सभ्यता का विकास और उस सभ्यता के विकास में भारत की भूमिका शांति और सहिष्णुता दानशीलता अतिथि सत्कार विनम्रता और परोपकार आदि विशिष्टताओं का वर्णन करते हुए देश प्रेम त्याग और बलिदान की प्रेरणा प्रदान की है इस कविता के माध्यम से तथा अखिल विश्व में भारत की विशिष्टताओं की प्रभावपूर्ण व्यंजना की है जिससे कि आत्मगौरव को विस्मृत भारतीयों में पुनः अपने देश और संस्कृति के प्रति आस्था और आत्मविश्वास का भाव जागृत हों और अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंकें यह लक्ष्य जयशंकर प्रसाद का इस कविता के प्रति है इस प्रकार से हम जयशंकर प्रसाद के कृतित्व को पढ़ा उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा और उनके साहित्य में निहित राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के बिंदुओं को पकड़ने की कोशिश की है विभिन्न नाटकों में जो उदाहरण आए हैं उनको देखा है साथ ही प्रसाद का छायावादी युग में क्या स्थान है क्या योगदान है इस पर भी हमने विचार किया और अंत में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है जिसमें कि उनकी कविता हिमालय के आंगन में संकलित है उसका मूल प्रतिपाद्य क्या है इसके बारे में भी हमने इस चर्चा में अध्ययन किया है तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि उन्नायक और प्रवर्तक कवि हैं उनके काव्य में छायावाद की समस्त प्रवृत्तियों का अंकन हुआ है कलात्मक अंकन हुआ है झरना आंसू लहर कामायनी उनके प्रसिद्ध काव्य हैं नाटकों में चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुवस्वामिनी आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके काव्य में आत्मानुभूति कल्पना और प्रकृति का विशद अंकन हुआ है लाक्षणिक वक्रता प्रतीकात्मकता विरोध चमत्कार गीतिमयता, चित्रोपमता उनकी काव्य भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनकी कविताओं और नाटकों में राष्ट्र गौरव और राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की विशद अद्भुत झांकी दिखाई देती है हिमालय के आंगन में कविता भारतीय इतिहास की गौरवशाली परंपरा भारतीय जीवन मूल्यों राष्ट्राभिमान भारतीय सांस, सांस्कृतिक उच्च आदर्शों निज गौरव की अभिव्यक्त निज गौरव की अभिव्यक्ति करने तथा देश के लिए त्याग और बलिदान की प्रेरणा देने वाली महत्वपूर्ण कविता है अगले अध्याय में हम आ, अगली चर्चा के अंदर हम हिमालय के आंगन में कविता के भावार्थ को पढ़ेंगे तथा उसमें आ, आ, उससे बनने वाले संभावित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे धन्यवाद